मैं क्लास 11th पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्लास 11th, क्लास 12th, बेसिकली नीट के लिए जो चीज़ें, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो क्लास, ये जो लेक्चर है वो क्लास 11th में जो हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, ठीक है, अगर वो हेल्पफुल रहेगा क्लास 11th और क्लास 12th के लिए भी, ये क्लास 11th के लिए भी जो है वो यूज़फुल है, ठीक है। तो ये मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है क्लास, यानी कि जो हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे इसके बारे में बताएंगे। तो क्लास 10th तक तो हम लोग साइंस पढ़ रहे थे, साइंस में तीनों सब्जेक्ट आ जा रहे थे, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी। अब बाद बाकी हम लोग फिर जब 11th में मूव ऑन करेंगे, ठीक है, तो 11th में जो होता है उसमें बायोलॉजी आ जाता है, ठीक है, फिजिक्स अलग सब्जेक्ट हो जाता है और केमिस्ट्री अलग सब्जेक्ट हो जाता है। अब बेसिकली बायोलॉजी, अब बायोलॉजी दो वर्ड से मिलके, दो टर्म से मिलके बना है, बायो एंड लॉगोस, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे समझाऊँ कि सभी को समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यानम, हाँ बायो, सब लोग जानते हैं कि बायो बायो दो टर्म, बायोलॉजी दो टर्म से मिलकर बना है, बायो लोगोस। तो बेसिकली ये, और जो बच्चे होते हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, उनको नहीं पता होता है, ठीक है, जिन्होंने अच्छी स्कूलिंग नहीं की है, अब जिन्होंने अच्छी स्कूलिंग की है तो उनको पता होगा, ठीक है। तो इसमें ये ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो बायो, बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, यानी कि जीवन, ठीक है। और लोगोस मीन्स तो होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन। यानी कि जीवन के बारे में अध्ययन, बायोलॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं उसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब जिनको ये नहीं पता है वो लिख सकते हैं। तो बाद बाकी जो लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उनके बारे में स्टडी करना, या ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसमें हम इन तीनों के बारे में स्टडी करें, लिविंग के बारे में स्टडी करें, वो है बायोलॉजी। समझ में आया, ठीक है। अब ये चीज़ें बायोलॉजी में, अब बायोलॉजी जो है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बाद में इस बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग और भी चीजें हैं, ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं वो तो जूलॉजी में ही आ जाएगा, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं वो प्लांट्स में आ जाएगा, माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं वो माइक्रोब में आ जाएगा, लेकिन वो सब टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो बाद बाकी ये हम लोग कुछ टॉप, ये जो भी हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे वो इन तीनों के इर्द गिर्द होगा। अगर डाइजेशन है तो डाइजेशन इसमें भी होता है, ठीक है, माइक्रोब्स में भी, माइक्रोब्स भी डाइजेस्ट यानी कि डाइजेशन प्रोसेस करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी डाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो बाद बाकी ये चीज़ें आपको समझ में आई तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगर हम बायोलॉजी टर्म की बात करें तो बायोलॉजी अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम दे रखे हैं, लेमार्क गॉटफ्राइड है या लेमार्क ट्रेवायरनेस है, ठीक है, लेकिन हमने तीनों के तीनों इसमें बता दिए, यानी कि बोल यानी कि लिखवा रखे हैं। लेमार्क जो बायोलॉजी टर्म है वो लेमार्क, ट्रेवायरनेस एंड गॉटफ्राइड, ठीक है, तीनों लोगों ने दिया था, अलग अलग बुक्स में थोड़ा अलग अलग है, लेकिन लेमार्क कॉमन है। तो मोस्टली जो 90-95% चांस हैं तो आपके ऑप्शंस में लेमार्क जरूर होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब कुछ और हम लोग पॉइंट्स देख लें, तो जैसे फादर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आते हैं, ठीक है, नीट में भी आए हैं, एम्स में भी आए हैं। तो फादर ऑफ बॉटनी, जूलॉजी एंड बायोलॉजी एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम जो क्लास 11th या क्लास 12th में हम लोग जो पढ़ेंगे वो बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी तीनों चीज़ों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो फादर ऑफ बॉटनी जो हमारे पास हैं वो हैं थियोफ्रास्टस,
फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी, ये हमारे पास अरस्तु। आप इसको नोट डाउन करते चलें हमारे साथ साथ। एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है ल्यूवेनहॉक। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, किसी भी मेडिकल एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, काफी सारे चांसेस होते हैं और बेसिक है। अब हम टॉपिक्स देखेंगे, हम इस पूरे चैप्टर में हम लोग टॉपिक के बारे में, ठीक है, हम कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे, कौन कौन से। तो टॉपिक में अगर हम देखें तो 1.1 जो टॉपिक है वो है व्हाट इज लिविंग। अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम अपने आप को साबित करो कि तुम लिविंग कैसे हो, तो तुम कैसे बताओगे कि तुम लिविंग हो? हैं, बताओगे ना कि हम चल फिर सकते हैं, है ना, मैंने जन्म लिया, मैं चल फिर सकता हूँ, मैं ग्रोथ करता हूँ, रिप्रोडक्शन करता हूँ, है ना, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शसनेस है। जो टॉपिक्स हमारे एनसीईआरटी में हैं, ठीक है, हमारी एनसीईआरटी में तो केवल 4 टॉपिक्स हैं अपनी एनसीईआरटी में, ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है, कॉन्शसनेस है। ठीक है, बात बाकी और भी हम लोग टॉपिक्स इसमें देखेंगे, कवर अप करेंगे। तो व्हाट इज लिविंग, ये हमारा पहला टॉपिक है, जिससे हम लोग ये बताएं कि कोई भी चीज़ लिविंग है तो उसके पार्टिकुलर करेक्टरिस्टिक होंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी पार्टिकुलर करेक्टरिस्टिक, जैसे मेटाबॉलिज्म, एक कोई सेल है वो मेटाबॉलिज्म करेगा, मेटाबॉलिज्म यानी कि कैटाबॉलिज्म हो सकता है, एनाबॉलिज्म हो सकता है, सब्सटेंस बन सकते हैं, सब्सटेंस टूट सकते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे व्हाट यानी कि इस लिविंग में। बाद बाकी जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यानी कि हमारा जो वर्ल्ड है या हमारा जो अर्थ है उसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी कैसी है, ठीक है, कितनी है। ठीक है, तो कई सारी जो बुक्स हैं उनमें अप्रॉक्सीमेटली जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो 8.7 मिलियन स्पीसीज हैं। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स मिला के। और बाद बाकी किसी किसी, अब जैसे एनसीईआरटी है उसमें रॉबर्ट मे एक साइंटिस्ट हैं, उनके अनुसार 7 मिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन स्पीसीज हैं। ठीक है, तो अगर ये डेटा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं अर्थ है अप्रॉक्सीमेटली 8.7 मिलियन स्पीसीज। लेकिन रॉबर्ट मे के अनुसार अर्थ है 7 मिलियन स्पीसीज। ठीक है, ये डेटा है, ये एनसीईआरटी का है, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बात की ये कुछ बुक्स में है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आएगा, नीट में आएगा, तो रॉबर्ट मे के अनुसार ही आएगा, तो आपको यही टिक लगाना है। ठीक है, बताओ कि ये तो बुक्स के अनुसार है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब डाइवर्सिटी जो है ना, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसी में हम लोग कुछ सब टॉपिक्स देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। अब बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वही सेम जो हमने बताया कि हमारे यहाँ जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है एनसीईआरटी के अनुसार 7 मिलियन स्पीसीज है, एनसीईआरटी या रॉबर्ट मे के अनुसार। ठीक है, 7 मिलियन स्पीसीज है, बाद बाकी 8.7 मिलियन स्पीसीज और जो बुक्स हैं उनमें ऐसा डाटा दिया गया है। ठीक है, अब डाइवर्सिटी में हम देख लें तो डाइवर्सिटी में केवल अपने इंडिया में 1500 टाइप्स ऑफ मैंगोज पाया जाता है, बाद बाकी अगर देखा जाए तो 20,000 टाइप्स ऑफ फिशेस है। ठीक है, 300,000 तरीके के बीटल्स हैं। तो ये यानी कि डिफरेंट यानी कि स्पीसीज हैं ना, प्लांट्स हैं हमारे पास डिफरेंट स्पीसीज के। ठीक है, तो बाद बाकी इसमें बायोडाइवर्सिटी में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास देखेंगे क्या, यानी कि ये ऐसा हल्का फुल्का टॉपिक है। देन नॉमेनक्लेचर में अगर हम लोग देखें तो नॉमेनक्लेचर की जरूरत हम लोगों को इसलिए पड़ी क्योंकि अब हम लोग बोलते हैं, हम लोग अपने हिंदी में आम बोलते हैं। ठीक है, जैसे और गुजराती मान लो उसको तो
गुजराती में तो पता भी नहीं है, कुत्ता ही मान लो, गुजराती में कुत्रो बोला जाता है, हिंदी में हम लोग कुत्ता बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो लोकल लोकल अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो लैंग्वेजेस हैं उनमें अलग अलग नाम हम लोग देखते हैं। अब साइंटिस्ट जो होते हैं वो कोलाबरेट करके रिसर्च करते हैं कि कुछ साइंटिस्ट यहाँ के होते हैं, कुछ साइंटिस्ट वहाँ के होते हैं, कुछ साइंटिस्ट दूसरे और कंट्रीज़ के होते हैं, तो सभी लोग मिलकर अपना रिसर्च करते हैं, है ना। तो सभी लोग मिलकर रिसर्च करते हैं तो सभी लोग अपनी अपनी भाषा में अगर बात करेंगे तो हो गया, तो रिसर्च हो गई है, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर में साइंटिस्ट को ज़रूरत पड़ी कि ऐसा कोई कॉमन नेम जो कहीं भी, जो कोई भी व्यक्ति अगर बात करे तो हम लोग उसको समझ लें कि हाँ वो पार्टिकुलर चीज़ के बारे में, पार्टिकुलर स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सपोज अगर हम आम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम मैंगो बोलेंगे, तो मैंगो जो इंग्लिश जानते हैं वो मैंगो समझ लेंगे, हाँ आम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अगर हिंदी बोलेंगे तो हिंदी में हम लोग आम बोलेंगे तो हाँ जानते हैं कि हम आम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। जैसे कुत्ता में तो हम लोग सियान बोलते हैं शायद फ्रेंच में, ठीक है। कुत्रो हमने गुजराती में आपको बताया कि कुत्रो बोलते हैं, ठीक है। तो बात बाकी जो नेम्स हैं नोमेनक्लेचर में, हम लोग साइंटिफिक नेम जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जीनस और स्पीसीज को मिला के जो नाम रखा, जैसे आम है उसका है मैंगजीफेरा इंडिका, ठीक है, और जो कुत्ता है उसका है कैनिस फैमिलियरिस। तो जो कॉमन नेम ऐसा है जो हम लोग नाम, अब ये कहीं भी अब तुम बोल दो जाके, जो बायोलॉजी पढ़ रहा होगा वो जानेगा कि अगर हम बोलेंगे मैंगजीफेरा इंडिका, यानी कि वो समझ जाएगा कि हाँ हम आम के बारे में बात कर रहे हैं। अब साइंटिस्ट हैं तो साइंटिस्ट यानी कि अलग डिफरेंट 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 कंट्रीज के जो साइंटिस्ट हैं तो वो यही जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं, जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं उसी वही बोलते हैं और वो जानते हैं कि यहाँ हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो नोमेनक्लेचर बात की आइडेंटिफिकेशन, हम लोग जो कॉमन करेक्टर्स के बेसिस पर हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या नाम, हाँ ये कुत्ते की प्रजाति है, ये बिल्ली की प्रजाति है, यही सेम क्लासिफिकेशन जो हम लोग बाहर से ही अगर देख के बता सकें कि हाँ ये कुत्ता है, बिल्ली है, यानी कि कैट फैमिली से है, ये सब देख के हम लोग बता सकें, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी हम लोग यानी कि बात करेंगे कि हम कोई, अब जैसे कॉर्डेट्स अलग होते हैं, ठीक है, मैमल्स अलग होते हैं, मैमल्स के कुछ करेक्टर्स अलग होते हैं, पक्षी अलग होते हैं, है ना, उड़ने वाले, तो उनके कुछ करेक्टर्स अलग होते हैं, तो वो टैक्सोनॉमी के बेसिस पर अलग अलग स्पीसीज को अलग अलग टैक्सा या लेवल्स पर डिवाइड करना, अलग करना, ठीक है, वो टैक्सोनॉमी में हम लोग देखेंगे, ठीक है। बता कि सिस्टमेटिक्स में भी हम लोग यही देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं किसमें, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिटेल्ड में उसी समय बात करेंगे। अगर आप लोग चाहें टॉपिक हम लोग कौन कौन से कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो टॉपिक्स अगर तुम लोग चाहो तो ये चीज़ें लिख सकते हो कि हम लोग ये टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। बाद में आप हम लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर आपने ये टॉपिक छोड़ा, अगर आप देख रहे हैं तो, ठीक है, तो आप लोग ये लिख लें। अब अगर मैं थर्ड टॉपिक की बात करूं तो वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज हैं अगर उनको अलग अलग क्लासिफाई करेंगे तो हम लोगों को अलग अलग 8.7 मिलियन अलग अलग ऐसे स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, है ना, ठीक है। तो ऐसा हम लोग सभी के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के हिसाब से जो डिफरेंट डिफरेंट जो सिमिलर स्पीसीज होते हैं हम लोग उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटते चले जाते हैं। ऐसे जब बांटते चले जाएंगे तो बाद बाकी हम लोगों को बहुत कम क्लासिफिकेशन देखना पड़ता है, बाद बाकी और जो सिमिलरिटीज़ के बेसिस पर क्लासिफाई हम लोग अलग ऑर्गेनिज को अलग अलग अगर टैक्सा में करते हैं तो बाद बाकी सभी के सभी इसमें आ जाएंगे ऐसे। अब जैसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में, अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्साज हैं यानी कि लेवल्स, ठीक है। कोई भी स्पीसीज है उनमें बेसिकली इसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के हिसाब से हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं, हम लोग उसको देखते हैं कि वो प्लांट है या एनिमल। एनिमल्स में भी प्रोटो यानी कि नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं या कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट में भी मैमल्स हैं या एवीज हैं या रेप्टिलिया हैं, बाद बाकी इसी बेसिस पर हम लोग उसको यानी कि केवल ये देखेंगे उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो किससे मैचअप कर रहे हैं। मैचअप करने के बाद फिर यानी कि वो अलग अलग टैक्सा में जो टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज हैं अलग अलग कैटेगरीज में आता जाएगा उसके, यानी कि इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के हिसाब से या एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से बाद बाकी वो इसमें अरेंजअप हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में जैसे ह्यूमन का अगर हम बात करें तो ह्यूमन आप किंगडम है, किंगडम प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम, तो एनिमल किंगडम में ही आता है ह्यूमन। फिर
फाइलम जो ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास सॉरी यानी कि इसी चैप्टर में, इस चैप्टर में हम लोग अभी इसी चैप्टर में हल्का फुल्का जब हम लोग 1.3 टॉपिक हम लोग देखेंगे तब पढ़ेंगे, नहीं तो एनिमल किंगडम में हम लोग ये बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो फाइलम कॉर्डेट है, क्लास मैमेलिया है। अब मैमेलिया में बहुत सारे मैमल्स होते हैं, जैसे चमगादड़ वो भी एक मैमल है ना। तो ऑर्डर प्राइमेट, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, और स्पीसीज हमारी जो है वो सेपियंस है, इसीलिए हम लोग होमो सेपियंस। तो जो भी हम लोग ये भी देखेंगे कि हम जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता है वो जीनस और स्पीसीज दोनों को मिला के बनता है, बाद में हम लोग देखेंगे। अगर आप ये चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो एनसीईआरटी में जब हम लोग 1.3 टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें ये है, तो ये आपको याद भी करना है। अगर आप चाहें तो अभी याद कर लिख लो इसको, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो प्लांट्स या स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट हैं या जो अबाउट टू एक्सटिंक्ट हैं, ठीक है, उनको हम लोग प्रिजर्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे हर्बेरियम है, तो हर्बेरियम या म्यूजियम, इन दो में तो वो आते हैं जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, हम लोग उनको यानी कि जो ड्राइड स्पेसिमेंस हैं हम लोग उसको प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। बाकी बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क्स में हम लोग जो है वो लिविंग स्पीसीज के बारे में ही डिस्कस करते हैं। जो बोटेनिकल गार्डन या जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, ठीक है, इनमें हम लोग कोई भी ऐसी प्लांट या एनिमल स्पीसीज, जो बोटेनिकल गार्डन है उसमें ऐसी प्लांट स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट होने वाली है, हम लोग उसको उसका नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा के हम लोग उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं कि वो एक्सटिंक्ट ना हो। यही से हम लोग जूलॉजिकल पार्क में भी करते हैं, जो भी जानवर होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, हम लोग उनको पार्टिकुलर जैसे एनवायरनमेंट में, जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, हम लोग वही कोशिश करते हैं कि वही एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड कराएं जिससे वो यानी कि एक्सटिंक्ट होने के चांसेस ना हो। बाद में कीज़ जो है ना, वो कीज़ में हम लोग बाद में हम लोग पढ़ेंगे, फ्लोरा भी पढ़ते हैं इसमें, मोनोग्राफ भी पढ़ते हैं। तो कीज़ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके आधार पर हम लोग पढ़ते हैं। की का जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, एम्स में भी आया है, नीट में भी आया है इससे रिलेटेड, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग चारों टॉपिक्स में हम लोग देख लिए। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ लिविंग, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे कि लिविंग में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो लिविंग को क्लासिफाई करते हैं कि हम कौन सी चीज़ है, कौन सी थिंग है, कौन सा जो व्यक्ति है वो लिविंग है कि नहीं है, ठीक है, कोई भी थिंग है वो लिविंग है कि नहीं है, हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे। सेकंड है हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, हमारा जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है या हमारा जो अर्थ है उसमें कितनी कितनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्लांट्स डाइवर्सिटी है, कितनी कितनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनिमल स्पीसीज हैं, प्लांट्स स्पीसीज हैं, ठीक है। थर्ड हमारा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जो हम लोग उसमें देखेंगे कि अलग अलग जो भी न्यूली डिस्कवर्ड अगर कोई प्लांट या एनिमल है उसको हम लोग कहाँ, उसको हम लोग मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, ठीक है, मानो अगर कोई मछली की नई प्रजाति आई, ठीक है, अब वो मछली है, हम लोग बाहर से ही देख रहे हैं कि अगर हाँ वो मछली है, तो बाहर से जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम लोग देखेंगे, उसके फिन्स देखेंगे, ठीक है, फिर हम लोग उसको डालेंगे कि हाँ वो एनिमल में आता है, फाइलम हमको क्लियर हो गया, कॉर्डेट हमको क्लियर हो गया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स के हिसाब से यानी कि मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल करेक्टर्स के बेसिस पर हिसाब से उसको डिफरेंट लेवल्स में क्लासिफाई करना, वो हम लोग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में देखेंगे। बाद बाकी हमारा जो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है वो है हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स, जिसमें हम लोग बोटेनिकल गार्डन, हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क्स एंड म्यूजियम वगैरह ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हमने ये बताया कि हम ये टॉपिक्स कवर अप करेंगे। आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो हमारे टॉपिक्स जैसे जैसे क्लियर यानी कि या कवर होते हैं वैसे वैसे आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। और ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी क्वेश्चन बुक ले लीजिए जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, ठीक है। बाद बाकी हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, ठीक है। Thank you.